वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। 26 जनवरी की करेंट अफेयर के साथ हम आए हैं आपके साथ टॉप 10 करेंट अफेयर लेकर। तो इस क्यूज को अटेंड करें, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए और आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको 2 सेकेंड का टाइम मिलेगा, आपको आंसर कमेंट करने होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको सहित इसका PDF वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का ये टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं आप कितने उत्तर सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला प्रश्न है कि 2019 के लिए वैश्विक नागरिक पुरस्कार, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैश्विक नागरिक पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। इसमें सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो ये वैश्विक नागरिक पुरस्कार दोस्तों, इसके बारे में बता देना चाहते हैं, पहले तो आंसर जान लीजिए, ये है प्रिया प्रकाश, ठीक है। प्रिया प्रकाश जो है, आंसर सी कर लीजिएगा, प्रिया प्रकाश जो है ये 1990 की बॉर्न है, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में अपनी यहाँ पे इन्होंने एक हेल्थ सेट गो कंपनी के सीईओ के रूप में ये नियुक्त हुई हैं, ठीक है। ये इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये अपने जो स्कूल टाइम में बहुत ही मोटी हुआ करती थी, इसके बाद इन्होंने अपना एक दृढ़ संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प लेने के बाद खुद को फिट किया, जी हाँ, जो कि एक आइकन बनी और आज के इस सिनारियो में वैश्विक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड के जरिए। ये आप इनको तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि भारत स्थित हेल्थ सेट गो, ये भारत की कंपनी है हेल्थ सेट गो, के संस्थापक और सीईओ हैं अभी प्रिया प्रकाश। इन्होंने अपने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए लंदन में 2019 ग्लोबल सिटीजन प्राइज भी इन्होंने जीता है, ठीक है। क्या, तो ध्यान रखिएगा, एक और प्राइज जीता है इन्होंने 2019 में ही, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये करेंट का भी क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटीजन प्राइज, ठीक है, ग्लोबल सिटीजन प्राइज ये अवार्ड से भी सम्मानित की गई है। कहाँ पे, तो लंदन में। अब देखिए, लंदन की बात होती है तो लंदन का जो कैपिटल सिटी है वो कैपिटल सिटी है ये किसका, तो यूके का, है ना, ब्रिटेन का कह सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिएगा, यहाँ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2019 में इनको ग्लोबल सिटीजन प्राइज कहाँ दिया गया, तो लंदन में दिया गया, ठीक है। प्रिया प्रकाश को 2019 सिस्को यूथ लीडरशिप पुरस्कार सिस्को के कार्यकारी उपाध्यक्ष मुख्य लोक अधिकारी फ्रन काट सौदास द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो फ्रन काट सौदास के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड, तो सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। ओके, इतना काफी है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में प्रगति, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये नई दिल्ली में प्रगति एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये पूछ रहा है ना कि ये प्रगति में टी का मतलब क्या है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं आंसर क्या होगा, इट्स अ डी, टाइमली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टी का अर्थ पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बता दी गई हैं आपको। प्लेटफॉर्म के जरिए 32वीं बैठक हुई है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा कि अभी प्रगति जो हुई है, इस जो प्लेटफॉर्म, इसका कार्यक्रम जो हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और इसकी कौन सी बैठक थी, यानी कि कौन सा संस्करण था ये, तो ये दोस्तों इसका 32वां संस्करण था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी यहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल दी गई थी। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए व्याख्या करूँगा कि मोदी जी ने नई दिल्ली में बहुउद्देशीय और बहुआयामी प्रशासन मंच, प्रगति जिसे हम लोग जानते हैं, इसकी 32वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याएं और निदान का यहां पर समय पर कार्यान्वयन समीक्षा भी की जाती है। किसके द्वारा, तो प्रगति के द्वारा। और पिछले 31 प्रगति विचार विमर्शों में प्रधानमंत्री ने करीब 12.5 लाख करोड़, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, इतना आवंटन 12.5 लाख करोड़, है ना, का राशि जो है ये निवेश कर चुके हैं। और 269 परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाती है इसी प्रगति के द्वारा, ठीक
ठीक है, कितने तो 269। अब यहां से क्वेश्चन कितने तरह के बनेंगे, कितना निवेश हो चुका है अभी तक प्रगति में, तो 12.5 लाख करोड़ का, ठीक है, कितने 31 बैठक तक, और अभी ये जो हुआ है दिल्ली में हुआ है 32वां बैठक प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है, जिसमें कि टी का मतलब क्या है दोस्तों, तो टाइमली, तो ये टी का मतलब यहाँ पे जी का मतलब भी पूछ सकता है तो गवर्नेंस, ठीक है, आई का मतलब पूछ ले तो इम्प्लीमेंटेशन, इतना याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। किस कंपनी ने एक्सेल फाइनेंस, देखिए एक कंपनी है एक्सेल फाइनेंस, ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME है ना के ऋण व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। तो आज का क्वेश्चन सिनारियो जो है कुछ बैंकिंग सेक्टर के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन उनके एग्जाम में बन सकता है ना। तो किस कंपनी ने, देखिए अभी मैं आपको सबके बारे में डिटेल दूंगा है ना, तो यहाँ वो कंपनी है दोस्तों, आंसर पहले ले लीजिएगा यहाँ पे बी, अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने। अब देखिए अडानी प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये ग्रुप का है किसके, तो इसका जो ग्रुप समूह के हैं NBFC, NBFC क्या है इसका दोस्तों, तो ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, कौन है तो अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल ले लीजिए मेरे से, अडानी जो कैपिटल है ये क्या है, तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि NBFC में बोल रहा हूँ इसको, ये अडानी ग्रुप से रिलेटेड है और ये कमेंडेड है इसलिए, तो लीडिंग ऑपरेशन इन अप्रैल 2017 से। इसके अभी CEO है गौरव गुप्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी इंपॉर्टेंट है और उसके जब इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके CEO के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों एक्सेल फाइनेंशियल, जी हाँ एक्सेल फाइनेंस, ये जो कंपनी है ये इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या करती है तो आपको रेंज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, लाइक होम लोन्स, फॉरेक्स या प्राइवेट इक्विटी ETC, बहुत सारी चीजें हैं है ना। इसके CEO जो हैं अभी अमिताभ चतुर्वेदी हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में है ना, तो यहाँ से ये दो तीन चीजें आपको नोटेबल है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखिए SBI का एग्जाम होने वाला है ना, तो SBI क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, अभी जो चेंज हुए हैं एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इनको, तो ये कौन है, तो ये है दोस्तों आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे सी, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। जी हाँ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में इनको 3 साल के लिए कार्यकाल दिया है, इतने तो 3 साल का कार्यकाल मिला है इनको दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि सेट्टी की नियुक्ति के लिए वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है, तो इनका सिलेक्शन फाइनली हो चुका है मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन कभी भी SBI का पूछे कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आप जरूर इसका उत्तर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी, ठीक है। और यहाँ पे वो SBI के पूर्व डिप्टी MD भी रह चुके हैं, कौन, ये शेट्टी जी, क्या पूर्व MD भी रह चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं पहले भी, ओके एक्चुअली डिप्टी है ना, डिप्टी MD रह चुके हैं ये, ओके। और SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी फिलहाल में, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो SBI के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों कौन, तो रजनीश कुमार, क्या नाम लिखिएगा, रजनीश कुमार, ठीक है। और अगर पूछ दे यहाँ पे कि SBI का मुख्यालय कहाँ है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आप बताएंगे क्या दोस्तों, तो मुंबई, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1955 में हुआ था, ठीक है, चलिए इतना याद रहेगा ना। ये देख सकते हैं इनको तस्वीरों में, ये हैं श्रीनिवासुल शेट्टी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना, यहाँ पे सत्य बताना है। देखिए कैनरा बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है और मुख्य कार्य अधिकारी यानी कि CEO है। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि RA शंकरा नारायण, ये CEO है ना, MD यहाँ पे नहीं दिया गया इनका,
ठीक है। वैसे यहाँ पे एमडी के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये जो सीईओ है ये अभी फिलहाल है आर के शंकरा नारायण, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक और निदेशक और सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी हैं संजीव चड्ढा जी, ठीक है। ये सही है, आप दूसरा भी सही है, पहला भी सही माना जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक, देखिए अभी मैंने आपको बताया कौन है, तो सेट्टी जी हैं। तो यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य लिखा गया है, तो ये यहाँ पे गलत होता है कथन। और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक कौन है, तो ये है अतुल कुमार दास, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा यहाँ पे कथन असत्य है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रख लीजिए मेरी तरफ से, कैनरा बैंक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु होता है, इसके फाउंडर जो हैं ये एमरेम्बल सुब्बा रॉय पई इनका नाम है, ठीक है, ये फाउंडर हैं कैनरा बैंक के। उसके अलावा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जब बात की जाएगी तो इसका बड़ौदा जो है ये क्या होता है दोस्तों, हेडक्वार्टर होता है यहाँ पे, और फाउंडर कौन है, तो सयाजी राव गायकवाड़, नोट कर लीजिएगा, तृतीय, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर एसबीआई के चेयरपर्सन की बात की जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि रजनीश कुमार है, ठीक है, और हेडक्वार्टर मुंबई है इसका, ओके। और फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ये जो बैंक ऑफ बीओआई का है वो भी मुंबई ही है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, ओके। चलिए तो इतना सारा डिटेल यहाँ से ले लिए आप लोगों के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, ये आप लोगों देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का ही है, ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास की दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अब हम आ चुके हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो यूएन के बारे में पहले जानते हैं, ये तो इन्होंने 2019-20 के लिए जो भारत का जीडीपी इन्होंने निर्धारित किया इस बार वो किया है 5.7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था पिछले साल कि जो जीडीपी निर्धारित किया गया था भारत के लिए वो 7 पॉइंट में रखा गया था, 7.2 था शायद, है ना। तो उस उतना तो हो नहीं पाया ग्रोथ हमारे देश का, पर यहाँ पे घटा कर इस बार का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 5.7% रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूएन के बारे में दोस्तों, ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है कि यूएन ने इसे डिसाइड किया तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसके जो फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, तो न्यूयॉर्क में ही रखा गया, यूनाइटेड स्टेट में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश फिलहाल अभी, ओके। और ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके यूएन के, इनका नाम है एंटोनियो गेचर, ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यूएन है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 5.7% है ना, इसके किसके द्वारा, तो यूएन के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है आर्थिक स्थिति में इस संभावनाएं बताई गई हैं, ठीक है। क्या आर्थिक स्थिति और संभावना 2020 के रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी 5.7 का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि जो WASP है ना, 2019 में इन्होंने कहा था 7.6 था एक्चुअली दोस्तों, ठीक है, 7.6% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इन्होंने कौन किसने, तो WESP है ना, इन्होंने क्या कहा है कि 6.6 रह सकता है भारत का विकास दर जीडीपी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अभी गंभीर हालत में है भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतना जान लिया आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये, ठीक है। और अगर इस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बात की जाए तो यूएन ने इसको निर्धारित किया है 5.7 19-20 के लिए, ठीक है, और 20-21 के लिए कितना बताया है, तो 6.3 बताइएगा। ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, ये WESP ने बताया है और ये आपका यूएन ने यहाँ पे निर्धारित किया है, ध्यान रखिएगा 21-20 के लिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, किस कंपनी ने घाना, देखिए घाना जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, कि तेल नियामक राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण के साथ देश की राष्ट्रीय एलपीजी संवर्धन नीति के कार्यान्वयन
में सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों इंडियन ऑयल के साथ, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। इसके बारे में आप जान लीजिए, घाना एक राष्ट्रीय एलपीजी संवर्धन नीति के क्रियान्वयन के लिए इंडियन ऑयल के साथ घाना के राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह घाना के लिए राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण को सहायता देगा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान भी करेगा। तेल मंत्री अभी हमारे कौन है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ऑयल मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, नाम नोट कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, धर्मेंद्र प्रधान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो। और घाना के उच्च उच्चायुक्त माइकल ओरोन, माइकल ओरोन है ना, ये ओरोन, ये नाम नोट कर लीजिएगा इनका भी, कि उपस्थिति में ये हस्ताक्षर हुआ है। इन दोनों ने ही ये इस पे डील साइन की है, किसके, तो घाना तेल नियामक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब आपको घाना के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दें कि घाना की जो कैपिटल है वो है आकरा, ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी होती है ये सेडी होती है ना, केडी कहते हैं इसको। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फिलहाल अभी, ये है नाना अकुफो अडो, है ना, इनका नाम है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें घाना की, तो ये आप देख रहे हैं ये घाना का क्षेत्र है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है एक, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है और ये नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। इसकी पड़ोसी मुल्क की बात करें तो नाइजीरिया है, माली है, ठीक है, नाइजर है, और ये सारे इसके पड़ोसी मुल्क हैं यहाँ पे दोस्तों। ओके चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस दिन मनाया जाता है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 24 जनवरी। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मैंने आपको बताया था परसों, है ना, तो बालिका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। आप लोगों में से एक जने ने उत्तर भी किया था, मुझे खुशी होती है कि वो लोग पढ़े हुए हैं और उसका उत्तर भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे उत्तर करिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे अलग से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 24 जनवरी जो है इज द करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मेन थीम क्या था, है ना, तो पहले तो बता दें कि विश्व भर में इसको शिक्षा के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे, 3 दिसंबर 2018 को, है ना, 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए घोषित किया गया था। और 2020 का इसका जो थीम था ना, देखो एक्चुअली ये जो दिवस है उसके थीम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जो विषय था वो क्या था दोस्तों, तो लर्निंग, नोट कर लीजिएगा इसको, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं, है ना, लर्निंग फॉर पीपुल, है ना, लर्निंग फॉर पीपुल प्लैनेट, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड द पीस, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, है ना, ये लर्निंग फॉर द पीपुल प्लैनेट प्रॉपर्टी एंड पीस, ये इस साल का 2020 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, यूनाइटेड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय महासभा होती है, इसके प्रेसिडेंट अभी हैं तिजानी मोहम्मद बेंदे, नोट कर लीजिएगा इनका नाम। और ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, जो चीज़ मैं आपको लिख के अलग से दिया हूँ यहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके फाउंडर भी यूनाइटेड नेशन है यानी कि यूएन है, और इसको 1945 में फाउंड किया गया था, यानी कि इसको बनाया गया था किसको, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ओके चलिए दोस्तों इतना काफी है यहां से। अगला क्वेश्चन है कि मेंटेन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये तस्वीरों में अगर आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है दिव्यांश सिंह पंवार, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में भी इन्होंने अपना कारनामा किया है। और चूंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इनके बारे में कि जो
ऑस्ट्रिया में आयोजन हुआ था ये मेंटेन कप 10 मीटर एयर राइफल का, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जबकि इन्होंने ISSF में, जी हाँ, विश्व कप में इन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक यहाँ से भी जीता है इन्होंने, ठीक है। और भारतीय निशानेबाज हैं जो अपूर्वी चंदेला, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में महिला वर्ग में जीता है, ठीक है। तो ये पुरुष वर्ग में जीते हैं, और अपूर्वी जो है ये कौन है, तो ये महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीते थी ISSF 2019 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ISSF है क्या। तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो कि हर साल यहाँ पे विश्व कप के रूप में एक प्रतिस्पर्धा रखती है। और यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मूनिच जर्मनी में है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के वल्मदीर लिसिन है। और जो इसको फाउंड किया गया था वो 1907 में किया गया था। ये शूटिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है और 150 रीजन में इसको मेंबरशिप हासिल है। तो इतना याद रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है, किस बैंक ने एटीएम के माध्यम से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है। ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ICICI बैंक। जी हाँ, ICICI के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जरूरी है, क्योंकि ICICI के अभी CEO हैं कौन, संदीप बख्शी, जो कि 15 अक्टूबर 2018 से अभी तक हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई होता है, और फाउंडर हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड द इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। और इसके सब्सिडीज हैं, कुछ कंपनीज हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड है ना, तो ये इसके सब्सिडीज कंपनीज हैं ICICI के, ठीक है। तो ये कार्डलेस कैश की जो शुरुआत की गई है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पे। जो भी बैंक है आपका ICICI बैंक, इसने ATM से प्रतिदिन लेन देन की सीमा कितनी कर दी थी, तो 20,000 रुपये के साथ कार्डलेस कैश की निकासी सुविधा की शुरुआत की है। यह सेवा ग्राहकों को केवल अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल पर अनुरोध करने करके बैंक के ATM से नकदी निकालने की अनुमति देती है। अब ये आई मोबाइल क्या है दोस्तों, तो आई मोबाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये स्मार्ट ग्रुप का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आई मोबाइल है ना, आई मोबाइल, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो थाईलैंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो उसका फाउंड किया गया था 1955 में थाईलैंड में ही, और जो साउथ ईस्ट एशिया को ये सर्विस देता है, कौन, तो आई मोबाइल है, ठीक है। और इसकी सब्सिडीज कुछ कंपनी है, मॉल थाईलैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड करके, इसको भी रखिएगा यार, हो सकता है कि रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे थाईलैंड की, जब बात आई है तो थाईलैंड का कैपिटल यहाँ पे क्या है, तो बैंकॉक है। करेंसी क्या है, तो थाई बहात इसको कहते हैं। और जो यहाँ के राजा हैं वह है महाराज वजीरा लॉन्गकॉर्न, नोट कर लीजिएगा, महाराज वजीरा लॉन्गकॉर्न, ठीक है। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज थाईलैंडियन यानी कि थाई ही बोली जाती है। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियों में हमने आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो, एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये वीडियो ऐसे ही पसंद आए। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से आप जाके YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और वहाँ पर सर्च कीजिएगा क्या, @YT एजुकेशन, और वहाँ से जितने भी PDF आपको अभी तक दिए गए हैं वो सभी वहीं पर मौजूद हैं, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।